हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग गाइस। कार्फो का जो मिशन 3 आ चुका है और हमारा जो एक सुपर डुपर रॉकेट रोल जो बाकी रह गया है 6 मैच कंप्लीट करने का, तो 5 हमने विन कर लिए है। तो उसके बाद हमारा ये कैरेक्टर मिलेगा। तो गाइस चलिए इसके लिए एक बार और ट्राई करते हैं और हमारा छठा जो मिशन सर्वाइवल मोड है कम्प्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते थे सर्वाइवल मोड। हमारा जो ये कैरेक्टर था जो 20 किल्स जो हमने कर लिया अभी, वो है अशन अशन का, जिसमें आपको सिंगल मैच में आपको 20 किल करने होते हैं। जी हाँ गाइस, हमने 20 किल्स कंप्लीट कर लिए हैं और चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद तो गाइस आपको एक बात की ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप अगर जो किल करते हो तो उसमें आपको जैसे ही क्लेम आता है, कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, उसके ऊपर वो रिवॉर्ड चेंज हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है गाइस, मैंने जैसे मैंने अपना 20 किल्स कंप्लीट कर लिए थे, या गाइस मैंने पहले मैच में अपना 28 किल किए थे, उसके बाद मैंने दूसरा गेम प्ले खेला, मैंने सोचा था कि मैं पूरा का पूरा जो क्लेम रिवॉर्ड है वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैंने दूसरे मैच में मैं लॉस्ट हो गया, मतलब मेरे जो 18 किल हुए और मैं जॉन में ही मेरी डेथ हो गई। तो जब ऐसा हुआ और मैं जब वाकई आया, मैंने देखा कि भाई मैं रिवॉर्ड ले लेता हूँ तो उसके बाद इसी कैरेक्टर के साथ खेलूँगा। तो क्या हुआ गाइस, मैं जैसे ही रिवॉर्ड में गया तो वो रिवॉर्ड गायब था। जी हाँ गाइस, मिशन मेरा जो फेल हो चुका था। तो उसमें क्या हुआ, जो रिकॉर्ड हमने बनाया था जो क्लेम के लिए हमने 28 किल किए थे, वो सारे के सारे जो क्लेम था वो चला गया था। तो गाइस आप ऐसी गलती मत करिएगा, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते, कौन सी जगह पर उतरेंगे गाइस। वैसे नीचे आ चुका है हमारा रिवर विंड होटल, उसके बाजू में है। तो चलिए गाइस यहाँ पे ये कौन सा रिवर विंड है ना। तो गाइस जाते हैं होटल रिवार्ड, कौन सा है अरोवा ऐसा कुछ होटल का नाम है। चलिए तो गाइस यहाँ पे हमारा एटलीस्ट ये जो मैच है उसमें सिर्फ सरवाइव करना है। अरोरा होटल है गाइस, तो यहाँ पे हमारा सरवाइव का मिशन रहेगा कि हम इसमें एटलीस्ट बच जाए, क्योंकि हमारा जो विन का है, विन सेक्शन है, तो उसमें हमारा आखिरी ये मैच है जिसको हमें विन करना है, तब जाके हमारा 6 मैच का जो ये रिवॉर्ड है वो हमें मिलेगा। तो गाइस पहले तमादम लूट कर लेते हैं। तो गाइस आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप उतरते हो तो आपको एटलीस्ट आस के पास अच्छी सी गन होनी चाहिए, एक 40 एमओ वाली और एक स्नाइपर। जी हाँ गाइस, 40 एमओ वाली तब जाके आपको अच्छी लगती है जब आपके पास बहुत सारे प्लेयर आ चुके हैं नज़दीक में, और उसके बाद आपके पास बॉम्ब होना चाहिए। जी हाँ गाइस, बॉम्ब आप बहुत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब क्या होता है जब गोलियाँ काम नहीं करते, जी हाँ गाइस, जब आपके सामने वाले प्लेयर बहुत मूवमेंट करते हैं, तब जाके आपके पास अगर बम रहेगा तो बम से आप उसके एरिया को कवर कर सकते हो। जी हाँ गाइस, क्या होता है जब प्लेयर उसके एरिया में स्क्रैच करता है, मूव करता है, स्नो करता है, तब जाके आपकी जो बुलेट है वो उसको नहीं लगती, क्राउच करता है, तब क्या होता है मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपकी गोलियाँ वो डायरेक्शन में उसको हिट नहीं करती, तब जाके आपको बॉम्ब फेंकना पड़ता है। तब बॉम्ब से क्या होता है कि उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि आपको बॉम्ब भी ज़्यादा रखने होंगे। आप अगर जाके अपने सेटिंग में जाके भी चेंज कर सकते हो कि भाई पिकअप में क्या क्या आपको उठाना है क्या नहीं उठाना है। जी हाँ गाइस, मैं अपने सेटिंग्स में सिर्फ 3 चीज़ें रखता हूँ, स्नाइपर, 40 एमओ की 2 गन आरपीडी और एक दूसरी वाली है वो, और एक बम। इन तीनों की कैपेसिटी में बढ़ा के रखता हूँ ताकि क्या होता है कि मेरे बैकपैक में इतनी चीज़ें तो अवेलेबल हो कि मैं अगर मेरे के पास गोलियाँ ख़त्म हो जाती ये वाली गन। गाइस तो 40 एमओ की हमारे पास गन आ चुकी है और एमओ भी आ चुकी है। ओ भाई पीछे से पड़ आगे से पड़ रही, कहाँ है बंदा, ये रहा। तो गाइस देख लो अभी मेरे पास गन चेंज करने का टाइम नहीं है, तो देख लो गाइस इसी के साथ मैंने निपटा दिया इसे। तो मैग्नेट फाइट ये गन है, तो आप देख रहे हो इसके साथ आप 40 एमओ वाली बुलेट ले लो
और फिर तरादर स्टार्ट हो जाओ। तो गाइस अब हमारे पास पूरी की पूरी लूट नहीं हुई, तो आप एक बार अच्छे से लूट कर लीजिए गाइस। जी हाँ, आपके पास एटलीस्ट 100 से 150 स्नाइपर की एमो होनी चाहिए और 300 से 400 आपके पास मिनी जो राइफल है उसके उसकी होनी चाहिए, या फिर RPD की होनी चाहिए। तो गाइस इतनी सी आपके पास लूट हो और आपके पास एटलीस्ट 6 से 8 बम हो और हेल्थ किट के लिए इंजेक्शन, जी हाँ गाइस आपके पास एटलीस्ट 5-6 इंजेक्शन होने चाहिए, तब जाके आप लास्ट कवर कर सकते हो। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे मैंने इंजेक्शन भी उठा लिया, तो मेरे पास अभी बॉम्ब सिर्फ इतने ही है। तो आप ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा बम उठा सके, क्योंकि क्या होगा जब रश हो जाता है 2-3 प्लेयर के साथ आ जाते तब आपको कोई एक चूज़ करना होता है, या तो आप राइफल से मारें या फिर स्नाइपर से मारें। अगर दूर बंदा है तो आप स्नाइपर से मारो, नज़दीक बंदा है तो आपके पास जो भी गन है उसे फटाक से मारने लगो। किया गया क्या क्या होता है इसकी इसी टाइम में वो बंदा आपका पूरा का पूरा हेल्थ खा जाता है। तो गाइस देख रहे हो यहाँ मेरे पास यही वाली, मैं आपको बता रहा था कि यही वाली गन से आप जो भी आपके पास जो भी गन है आप उससे पहले स्टार्ट कर दो। स्नाइपर का आप थोड़ा रहने दो, क्योंकि स्नाइपर में क्या होता है जैसे आप जूम करोगे तो फोकस पूरा बंदे के ऊपर आ जाता है, उसी टाइम आपको शूट करना है। जी गाइस, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बाहर कोई बंदा अगर है तो गाइस यहाँ पे बम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, मैंने बताया कि बम आपको हर एक घर में मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना पड़ेगा ये बंदा रहा। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे मैंने उसको, कोई एक बंदा आया दूर से, तो मैं आपको स्नाइपर से बताऊँगा कि स्नाइपर से आप कैसे शूट कर सकते हो। स्नाइपर जैसे आप होवर करोगे, जैसे ही आप स्कूप करोगे तो उसका पूरा का पूरा ध्यान उसकी बॉडी पर चला जाएगा। जी हाँ गाइस, तब आपको अच्छा एक मौका मिलेगा कि आप एग्जैक्टली उसे शूट कर सकते हो। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे 2 घर से बंदे, तो स्नाइपर से नहीं मार सकते, तो गाइस तो शॉटगन उठा लेते। तो गाइस देख रहे हो मैंने जैसे ही होवर किया तुरंत ही उसका पूरा का पूरा बॉडी मेरे सामने विजिबल हो गया। देखिएगा ये बंदा है, तो देख रहे हो गाइस जैसे मैंने होवर कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा बंदा देख रहे हो गाइस। सी दिस गाइस, सेम ऐसे ही आप कर सकते हो, जैसे कोई बंदा आया बस आपको स्कूप होवर करना है और शूट कर देना है, स्कूप होवर करना शूट करना। देख रहे हो गाइस मैंने स्कूप को होवर किया और धड़ाम से हो गया। तो गाइस यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप भी इतने अच्छे से किल कर सकते हो। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे बंदा आ गया, मैंने स्कूप किया और शूट मिस हो गया। तो गाइस आपको यही करना है, आप मिस मत करिएगा, जैसे ही आप होवर करते हो और बंदा दिखे तो तुरंत गोली मार दो, जैसे होवर करो गोली मार दो। तो गाइस ऐसे ही आपको स्नाइपर से किल मिलेगा, नहीं तो आप ऐसे ढूंढते रह जाओगे। और देखो भाई मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो देख रहा हो गाइस मूवमेंट से क्या होता है कि वो बंदा हिलता जुलता है और हमारे पास जो किल होते हैं वो नहीं मिल पाते। तो गाइस ऐसे जगह पे आप बॉम्ब फेंको, तो यहाँ पे 2 प्लेयर आपने सामने, तो ये मैंने 2 फेंके और देख रहे हो गाइस मिल गया मुझे किल। इसको भी बॉम्ब से निपटा देते हैं गाइस, ये भी बहुत मूवमेंट कर रहा है, तो ये भी गया। अब ये बंदा आया उसको भी निपटा देते भाई, ये भी बहुत परेशान कर रहा था, चलो ये भी गया। देख रहे हो गाइस ऐसे ही आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास बॉम्ब रखोगे तो भाई इसको भी ये तू भी ले दे जा। अरे भाई बच गया बच गया बच गया, शिट। तो गाइस इसको मारते चलो स्नाइपर से। देख रहे हो गाइस आप स्नाइपर को सिर्फ उठाओ, स्कूप को होवर करो और फटाक से गोली मार दो। आप सोचो मत कि कहाँ पे एमओ जा रहा है, कहाँ पे निशाना जा रहा है, क्योंकि कुछ इसका एल्गोरिथम ही ऐसा है कि जैसे आप होवर करोगे भाई जोन आ रहा है, भागना पड़ेगा जोन से भाई, बचना है आपको इस मैच में, सर्वाइव करना है, क्योंकि आपकी जो टास्क है वो ऐसे ही बनाया गया है कि आपको सर्वाइव करके करते इस गेम को खेलना है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आपको मार डालेंगे या तो फिर जोन मार डालेगा। तो भाई चलो भागते, नहीं तो ओ भाई नज़दीक आ चुका है यार, शिट 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 शिट, अभी 20 इतने प्लेयर बचे गाइस क्या करें भाई, मरना मत मरना मत मरना मत यार, प्लीज़ 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 निकल जा निकल जा। तो चलिए गाइस नज़दीक तो आ गए, लाइन दिख रही है। ओ भाई भाई अरे वापस मत जा रे, ओ गाइस चलो सेफ मोड में तो आ चुके।
तो भाई यहाँ पे हेल्थ हमारी बहुत डाउन हो चुकी है, तो भी यार प्लीज़ कुछ इंजेक्शन का इंतजाम होता है यहाँ पे। तो भाई अंदर घर के अंदर कौन मार रहा है भाई, कहाँ पे बंदा, शायद टीवी देख रहा होगा, टीवी एग्जाम में बैठा तो नहीं, चेयर वेयर नहीं लगाई है इन लोगों ने, खड़े खड़े देखना होगा। तो गाइस यहाँ पे इन घरों में बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हमारे घरों के रिलेटेड होते हैं और बाकी यूनिक उन चीज़ें बनेंगी, पर यहाँ पे ना बैठने के लिए सीट्स है ना चेयर है। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो एमओ मिस होता है कई कई बार, तब जाके हमारे जो हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि वो सामने वाला बंदा हमें पेलता ही रहता है पता नहीं कैसे। ओ भाई दो दो बंदे, तो गाइस जब ऐसी मोमेंट आती है देख रहे हो आपको वो बंदा आपको आपको हिट कर दिया, आपकी जो हेल्थ है वो डाउन हो जाती है, तो उसी टाइम पे आप क्या करो, आप गन मत उठाओ, आप बम उठाओ और फिर दोनों के बीच में डाल दो। अभी आपकी हेल्थ कितनी डाउन हो चुकी है दिख रहे हो आप, गाइस मेरी हेल्थ इतनी डाउन हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे हमारा पंप मिल चुका है, बस हमें एक इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो गाइस उसका भी इंतजाम हो चुका है। ऊपर जाके देख लेते हैं कोई बम बम पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे गोलियाँ है और बंदे दो लड़ रहे हैं, साइड से कोई बंदा आ रहा है, चलो उसको भी निपटा देते, तू भी लेते जा। तो यहाँ पे हमारी जो हिल है वो काफ़ी सी कम हो चुकी है, अभी भागते भागते इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, पर देख लेते यहाँ पे कोई एक दूसरी अगर इंजेक्शन मिल जाए तो अच्छा रहेगा, एक साथ में दो दो चले। और गाइस एंड आ जाए तब आपके पास बहुत ज़रूरी बात मैं बताऊँ, एंड में आपके पास अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बम होना चाहिए और शॉर्ट गन तो आपके पास होनी होनी चाहिए गाइस। जी हाँ, अगर आपके पास देखो गाइस ऐसा कुछ मिस हो जाता है तब आपके पास बम या फिर बुलेट होनी चाहिए। भाई मैं मिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्या होता है कि जब भी मैं नेक्स्ट बार ऐसा जब स्नाइपर से शॉट लूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो गाइस ये बंदा आ गया आ गया आ गया आ गया, सीधे गाइस बंदा कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसकी मूवमेंट मुझे पता नहीं चल रही कि बंदा दूसरा बंदा आ गया। अरे वाह, तो भाई तीसरा बंदा आ गया भाई, अब तो बम निकालना पड़ेगा। और ये दोनों के बीच में तो एक बंदा बच गया, चलो होर करो शूट करो दूसरे बंदों को पे भी ऐसे ही करो, पर पहले गाइस हमें हेल्थ करनी पड़ेगी, बहुत कम हो चुका है। सेट भाई नीचे से भी कोई ना मार दे क्योंकि हमारे पास अभी कुछ बचा नहीं है। तो गाइस नीचे से आ गया बंदा, और तो भाई हमारे पास हेल्थ जो है बहुत डाउन हो चुकी है। तो उस घर में जाते तो कुछ ना कुछ ओ शिट भाई बच जा, अरे भाई क्या कर रहे हो यार, मत मारो यार यार मत मारो भाई, घर के अंदर से गोलियां पड़ रही है भाई, कहाँ से बंदे आते भाई, ऊपर जाके लेटना पड़ेगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत चॉकलेट खा लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, भाई बिना पानी की दवाई खा रहा है, देख रहे हो बंदे बंदे में यार दम है, बिना पानी की दवाई खा रहे हैं, ये देख रहे हो। तो गाइस सभी बच्चे टोटल चार लोग, और जो बंदे तीन थे उसमें से हमने दो को तो मार दिया था, एक बंदा बच गया था वो जो नीचे आया था। तो यहाँ पे मैग्नेटो का गन है उठा रहे थे, तो ये रहा बंदा, ये रहा, तभी कोई गन चेंज करने के टाइम नहीं है, तो जो मिला उसी को आप समझ लो, क्योंकि ऐसे टाइम में आप गन चेंज करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। जी हाँ गाइस, पर जिसकी पकड़ है जिसको अच्छे से आता है वो कर सकता है, हालांकि मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आप स्नाइपर उठाओ और स्नाइपर में आपको फिर रिलोड करना हो। तो गाइस जो भी आप गन रखो तो आप उससे पहले रिलोड कर लो, और ये बंदा मिल गया। तो गाइस हमारा विनर हो चुके हैं, हम सुपर डुपर आ चुका है,
और हमारा यहाँ इसी के साथ हमारा जो मिशन था वो कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए भाई फटाक से क्लेम कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो पता चला कि वापस चला गया। तो चलो 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 भाई जल्दी आ जा जल्दी आ जा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई मिशन में चलते हैं और सुपर डुपर में चलते हैं और यहाँ पे हम अपना क्लेम रिवॉर्ड कर लेते हैं। जी हाँ गाइस क्लेम में देखिए आप क्या आता है, हमारा जो एक कैरेक्टर है माफिया। तो गाइस ये बात आपको मैं बता देता हूँ, आप अगर क्लेम नहीं करते हो तो आपका जो रिवॉर्ड है वो चला जाएगा। जी हाँ गाइस तो यहाँ पे तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।